नमस्कार। आज के महापुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान सम्राटों से लेकर विदेशी आतापाइयों तक, विस्तारवाद से लेकर साम्राज्यवाद तक, इस देश ने सब कुछ झेला और देखा। लेकिन एक सरदार ने कुछ महीनों में वो कर दिखाया जो शताब्दियों में नहीं हुआ था। आज हम ऐसी एक जिंदगी के बारे में बात करेंगे जो आंधियों में भी ऐसी खुमारी से जी कि आज भी उसकी बुलंदियां आदत है, कि आज भी वे आसमां में ध्रुव के तारे की तरह चमकते हैं। एक आदर्श सत्याग्रही, श्वेत क्रांति की गंगोत्री, राजपुरुष, युग पुरुष, लोह पुरुष, भारत के भाग्य विधाता यानी कि श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों मिला इन्हें सरदार का बिरुद? कैसे बने सरदार एकता के केंद्र बिंदु? खेड़ा के नड़ियाद में लालबा और जवेरचंद भाई का चौथा रत्न संतान यानी श्री वल्लभ भाई, जिनका इस धरती को पावन करने 31 अक्टूबर 1875 को आगमन हुआ। इनके बचपन की विशेष माहिती प्राप्त नहीं है, फिर भी हम अनेक घटनाओं से परिचित हैं। वे बचपन से ही गलत सह नहीं सकते थे। बांस की लकड़ी से मारने वाले शिक्षक के खिलाफ हड़ताल करवाने वाले वल्लभ भाई में बचपन से ही सत्य का आग्रह और निडरता का गुण प्राप्त होता है। पिता की धार्मिक मनोवृत्ति और माता की सादगी ने बाल वल्लभ में भी ईश्वर के लिए अनन्य श्रद्धा के मूल खोपे थे, जो महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर सम्मानित हुए। 1893 में उन्होंने विवाहित जीवन की ओर प्रयाण किया। 1900 में अभ्यास करके वे वकील की परीक्षा में पास हुए और खोद्रा में वकालत शुरू की। 1912 में इंग्लैंड में प्रथम वर्ग से बैरिस्टर बनकर स्वदेश की ओर लौटे। मगर हमें आज के हमारे सरदार वल्लभ भाई 1917 में उनकी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर मिले, जब खोद्रा में गुजरात क्षेत्र के राजनीतिक अधिवेशन में उन्हें मंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसी प्रसंग में आमंत्रित महानुभाव थे श्री मोहनदास गांधी, लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। बस तभी से सरदार स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए और उनकी अविरत लड़त का संग्राम शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़त, गांधी जी के पुस्तक प्रतिबंध के खिलाफ लड़त, सरकारी परवानगी बिना सत्याग्रह की कमेटी का निर्माण, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, नागपुर झंडा सत्याग्रह, अहमदाबाद की म्यूनिसिपल चुनाव में सभी स्थानों से विजयी होना, बोरसत सत्याग्रह, ऐसे तो अनेक सत्याग्रह, अनेक कार्यों और सभी को भव्य सफलता मिली। परंतु 1928 में वल्लभ भाई ने एक अभूतपूर्व शीर्षक हासिल किया। अंग्रेज सरकार के सामने काल बन के लड़े इस वल्लभ भाई को बारडोली सत्याग्रह में सरदार की सिद्धि प्राप्त मिली। 1930 में दांडी कूच का समग्र आयोजन भी स्वयं सरदार वल्लभ भाई ने ही किया था। बार बार जेल प्रवास करने के बावजूद भी वे खपे नहीं और उनका स्वतंत्रता आंदोलन चालू रखा। 1942 में उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर हिंद छोड़ो आंदोलन को अंजाम दिया। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, तभी उन्होंने 15 अगस्त 1947 को देश आजाद करने की सूचना दी। हर एक स्वतंत्र वीर की आंखें तब कितनी बरसी होगी जब भारत का तिरंगा सम्मान से पहली बार स्वतंत्र भारत में लहराया होगा। न जाने कितने आध्यात्मवादी आत्माओं आसमां से पुकार पुकार कर कहते होंगे कि झंडा अजय अमर रहे और ऊंचा आसमां में लहराए। जब 565 में से 562 रजवाड़ों को वल्लभ भाई ने एकजुट राष्ट्र बनाने के लिए मजबूर कर दिया, तभी उन्होंने खुद की लौह पुरुष की सिद्धि का इम्तिहान लिया। इसके बाद सरदार साहब ने जूनागढ़ और हैदराबाद के सल्तनत के खिलाफ जो लश्करी कठोर नीति अपनाई, उसकी अच्छाई और कश्मीर में सरदार की सलाह न मानने की बुराई, दोनों के परिणाम आज भारत देश भुगत रहा है। सरदार साहब ने 2 साल के भीतर भीतर जो देश को जोड़ने का अभूतपूर्व चमत्कार कर दिखाया, तब लॉर्ड माउंटबेटन को भी कहना पड़ा कि हमको ऐसा लगा था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र बनने में 15 साल जितना समय अवश्य लगेगा, परंतु सरदार साहब ने यह चमत्कार चंद महीनों में कर दिखाया। अंत में 1950 की 15 दिसंबर को सरदार साहब ने बहुत समय से पीड़ित अभाशय की बीमारी के कारण महाप्रयाण किया। सरदार साहब ने वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश देश को दिया है, उस संदेश की मशाल को लेकर हम पूरे विश्व में जाते रहेंगे, पूरे विश्व को पुनः ये स्मरण कराते रहेंगे कि वास्तव में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। अंबर करे पुकार, उठ भारत के लाल,
आगे बढ़ तूफान से लड़, बनकर तू भूचाल। आज देश के नौजवान की नई कहानी होगी, भेदभाव की भारत से दीवार हटानी होगी। भारत बने गुरु दुनिया का, लेकर हाथ मशाल, उठ भारत के लाल, आगे बढ़ तूफान से लड़, बनकर तू भूचाल। सरदार पटेल ने कहा था, इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फील दैट हिज कंट्री इज फ्री एंड टू डिफेंड इट्स फ्रीडम इज हिज ड्यूटी। एवरी इंडियन शुड नाउ फॉरगेट दैट ही इज़ अ राजपूत, अ सिख और अ जाट। ही मस्ट रिमेंबर दैट ही इज़ एन इंडियन एंड ही हैज़ एवरी राइट इन हिज कंट्री एंड दैट टू विथ सर्टेन ड्यूटीज। इसी के साथ आज के महापुरुष की बात समाप्त हुई। दोस्तों, ऐसे ही मैं हर रविवार आपसे जुड़ता रहूंगा और देश के शूरवीरों का स्मरण कराते रहूंगा। मैं पृथ्वी देसाई आपसे विनती करता हूं कि अपने प्रस्ताव देने के लिए मुझे अवश्य ईमेल करें psdesai777@gmail.com पर। दोस्तों, अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जय हिंद।